हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ के साइंस चैप्टर 11th साउंड पढ़ेंगे। हम हर दिन कई स्रोतों जैसे मानवों, पक्षियों, घंटियों, मशीनों और वाहनों, टेलीविज़न, रेडियो, इन सभी की आवाज़ें, ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ऊर्जा के कई रूप भी हैं, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। हमने प्रीवियस चैप्टर में यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ चुका है। आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में पता है। इसके अनुसार आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। आप इसे केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया? इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किसी माध्यम में ये किस प्रकार संचरित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण की जाती है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड एक्टिविटी फर्स्ट। किसी भुजा को एक रबड़ के पैड पर मारकर इसे वाइब्रेट करिए। इसे अपने कान के पास लाइए। आप कुछ ध्वनि सुन पाते होंगे, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। इस प्रकार से कुछ कीजिए। वाइब्रेट टर्निंग फॉर्क जस्ट टचिंग द सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल। जैसे ही वो वाइब्रेट करती है तो कोई आवाज़ निकलती है। उसी तरह एक्टिविटी सेकेंड भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। ये ठोस, द्रव्य या गैस हो सकता है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ये अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक खुद गति कर नहीं पहुंचते। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं, जिसके कारण निकटवर्ती कण अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाती है। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के बाद प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आती है। माध्यम में ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न माध्यम के कण नहीं, माध्यम से होता हुआ संचारित होता है। नेक्स्ट है साउंड वेव्स। और साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ये भी एक्टिविटी दी गई है कि किस तरह से आप यहाँ पर किस तरह वेव निकलती है, इसको भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ बताया गया, जिससे आप समझ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, जैसे कि फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। ध्वनि तरंग को ग्राफीय रूप से भी दिखाया गया है, जो प्रदर्शित करता है कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम से गति करती है तो घनत्व और दाब में कैसे परिवर्तन होता है। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। किसी माध्यम में ध्वनि एक निश्चित चाल से संचरित होती है। किसी पटाखे या गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई देती है। इसीलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है। ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें यह संचरित होती है। आप इस संबंध को अपनी क्लास में सीखेंगे। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप और दाब पर भी निर्भर करती है। जब हम ठोसों से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। किसी भी माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को भी समझेंगे, लेकिन अगर आप उससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किसी ठोस या द्रव्य से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कोई रबड़ की बॉल।
किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होती है और परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका अध्ययन आप अपने मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्लास बुक में पढ़े थे। और परावर्तक सतह पर खींचे गए विलंब और ध्वनि के आयतन होने की दिशा और परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण आपस में बराबर होते हैं और ये तीनों दिशाएं एक ही तल में होती है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक की आवश्यकता होती है जो चाहे पॉलिश किए हुए हो या खुरदरे हुए हों। यहाँ और एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिसे आप समझ सकते हैं। ईगो, किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारती या पहाड़ के निकट अगर आप जोर से चिल्लाइए या ताली बजाइए तो आपको कुछ समय बाद वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। रिवर्बरेशन, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है जब तक कि ये इतनी कम ना हो जाए कि वो सुनाई ही ना पड़े। ये बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बाध होता है उसे अनुरणन कहलाता है। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन बहुत अवांछनीय है। अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छतों और दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे संपीडन फाइबर बोर्ड खुरदरे प्लास्टर और पर्दे लगे होते हैं। सीटों के पदार्थों का चुनाव इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर किया जाता है। यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न और सहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही जाती है। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं मेगाफोन और हॉर्न, इन यंत्रों में एक नली का आगे का भाग खुला होता है। स्टेथोस्कोप एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर हृदय और फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है, ये आप जानते होंगे। रेंज ऑफ हियरिंग, हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को नहीं सुन सकते। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 Hz से 20,000 Hz होता है। 5 साल से कम आयु के बच्चे और कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 kHz तक की ध्वनि सुन सकते हैं। व्यक्तियों की जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही हो जाते हैं। 20 Hz से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव ध्वनि कहते हैं। अगर हम अवश्रव ध्वनि को सुन पाते हैं तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते हैं जैसे कि हम किसी मक्खी पंखों के कंपनों को सुन पाते हैं। हियरिंग एड, जिन लोगों को कम सुनाई देता है उन्हें इस यंत्र की आवश्यकता होती है। ये बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इसमें एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर और स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देती है। एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को प्रवर्धित कर देता है। ये संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये ध्वनि तरंगें कान के डायफ्राम पर आपतित होती है और व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई देती है। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, पराध्वनियों उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं। पराध्वनियाँ अवरोधों की उपस्थिति में एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। उद्योगों और चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप में उपयोग किया जाता है। ये आप यहाँ पिक्चर्स में भी देख सकते हैं इन सभी का उपयोग।